शहीद आजम भगत सिंह पर फिर से मुकदमा चल रहा है, चौंक गए ना। खैर, ये मुकदमा शहीद आजम को बेगुनाह साबित करने के लिए चल रहा है। भगत सिंह को 85 साल पहले 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने एक ब्रिटानी अधिकारी की हत्या की है। लाहौर हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की फांसी का मुकदमा दोबारा खोलने के लिए एक बड़ी बेंच बनाने का आदेश दिया है। इस मुकदमे की नए सिरे से सुनवाई के लिए भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन नाम के एक संगठन ने याचिका दायर की है। आपको बता दें कि भगत सिंह के केस में बहुत सारे पेंच थे। शहीद भगत सिंह केस की FIR निकलवाई गई है, उसमें न भगत सिंह का नाम है, न राजगुरु का, न सुखदेव का। ये तीनों बेगुनाह थे जिन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका इंसाफ क्या इंसाफ था। आप ये भी जान लें कि इस केस में 450 गवाहों को सफाई का मौका ही नहीं दिया गया, ना तो क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाजत दी गई। लाहौर पुलिस ने अनारकली पुलिस स्टेशन से कोर्ट के आदेश के बाद सॉन्डर्स की हत्या में हुई दर्ज FIR की कॉपी खोजी थी। ये उर्दू में लिखी गई थी। पिटीशन लगाने वाले वकील कुरैशी ने कहा है कि ट्रिब्यूनल के स्पेशल जज ने भगत सिंह को जब फांसी की सजा सुनाई, तब इस मामले के 450 गवाहों को नहीं सुना गया। भगत सिंह के वकीलों को दलील का मौका तक नहीं दिया गया था। आपको ये भी बता दें कि पिटीशन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु द्वारा कथित रूप से ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर की हत्या करने के मामले में है। पिटीशन में कहा गया कि पहले भगत सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में केस को बढ़ा चढ़ाकर उन्हें फांसी दे दी गई। मतलब अविभाजित भारत के शहीद आजम को बेगुनाह साबित करने की ये मुहिम अगर मंजिल तक पहुंच गई तो इतिहास बदल जाएगा और अंग्रेजों को अपने किए पर माफी भी मांगनी होगी।